फैमिली को माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सिट कलेक्शन। आज आप लेकर आए हैं स्टूडेंट के लर्निंग से रिलेटेड एक और अमेजिंग आइडिया, जिसमें हम आपके साथ स्टूडेंट्स के लिए गुड मैनर्स के आइडिया शेयर करें कि आप किस तरह अपने क्लासरूम में एक गुड मैनर्स का चार्ट लगा सकते हैं, किस तरह क्लासरूम हैंगिंग में इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह स्टूडेंट को इन वर्ड्स से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि गुड मैनर्स वर्ड्स क्या होते हैं, आपने ये मैनर वर्ड्स किस तरह अडॉप्ट करने हैं, किस तरह अपने क्लासरूम में इनको यूज़ करना है, किस तरह अपने क्लासरूम से बाहर अपने टीचर्स के साथ इन वर्ड्स को यूज़ करना है। सो इसके लिए आपको अपनी क्लासरूम में डिफरेंट तरह के डेकोरेशन बनानी होगी, डिफरेंट तरह के जो गुड मैनर वर्ड्स हैं वो ईजी मैनर्स वर्ड्स होते हैं वो आपने लिखने हैं, जैसे थैंक यू, आई एम सॉरी, यू आर वेलकम, एक्सक्यूज मी, प्लीज़, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आप अपने स्टूडेंट्स को आप खुद सिखाएंगे ताकि उनमें अच्छी क्वालिटीज़ पैदा हों, उनके लिए ये वर्ड्स अच्छे हों, उन्हें ये सीखने में आसानी हो, वो अपनी ये वर्ड्स अपनी क्लासरूम में इस्तेमाल करें। इन वर्ड्स को यूज़ करके साथ साथ स्टूडेंट्स अपने लिए अपने साथ और अपने टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशन पैदा करेंगे। सो ट्राई करें कि स्टूडेंट्स को ऐसे वर्ड्स सिखाएं, अपनी क्लासरूम में डेकोरेशन बनाएं, अपने वाइट बोर्ड के साथ ही आप हैंगिंग में इस तरह के वर्ड्स बना सकते हैं, आप क्लासरूम चार्ट में लगा सकते हैं, आप क्लासरूम रूल्स में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं आप वो भी स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपने किस तरह स्टूडेंट्स को गुड मैनर वर्ड्स बताने हैं, किस तरह स्टूडेंट्स को मैनर वर्ड्स की तरफ लेकर आना है और उन्हें बताना है कि इन वर्ड्स के इस्तेमाल से हमारी लाइफ में कितनी चेंजिंग आती है, ये वर्ड्स कितने ज़रूरी हैं, ये वर्ड्स आपके जो शख्सियत है उसको इनहांस करती है। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए इन्हें यूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। आप अपने क्लासरूम में वाइट बोर्ड के साथ लगाएं, जैसे ही क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हो साथ साथ स्टूडेंट्स से मैनर वर्ड्स के तौर पर अगर आप कुछ पूछते हैं, अगर टीचर खुद ये वर्ड्स यूज़ करती हैं तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये यूज़ करेंगे। सो ट्राई करेंगे जो टीचर हैं वो भी ये वर्ड यूज़ करें, इंशाल्लाह इस तरह और डिफरेंट अमेजिंग आइडियाज़ के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।